गुड इवनिंग मिस्टर शुगर। मेज के पीछे बड़े शख्स ने कहा जिसका काम था कभी कोई चेहरा ना भूलना। हेनरी शुगर 41 साल का था, कुवारा था और अमीर भी। अनोखा। हेनरी ने उस छोटी सी नीली वर्कबुक में ये पढ़ा, जेंटलमैन मैं वो हूँ जो आंखों का इस्तेमाल किए बगैर देख सकता है। उसने देखा, मैं चिल्लाया, उसने वो ट्रॉली देखी। वाकई गजब की बात है। ये सचमुच बहुत कमाल की जानकारी है, मेरी जिंदगी बदल सकती है। कुछ ऐसे गुण होते हैं जो आप में होने चाहिए या आपको हासिल करने चाहिए। अगर आप कथाकार बनना चाहते हैं तो। दोपहर के वक्त चूहा पकड़ने वाला पेट्रोल पंप के पास आया। चूहे चालाक होते हैं, उन्हें पकड़ने के लिए उन्हें जानना पड़ता है, यानी खुद ही चूहा बनना पड़ता है। आपके पास अद्भुत कल्पना होनी चाहिए। मैं हैरी के कमरे में गया, दरवाजा खोला और अंदर झांका। हाथ ऊपर करो। वो खतरनाक पागल लड़के थे, इसे मर्डर कहते हैं। रेल की पटरियों पर लेटा बच्चा बोला। पाठक के दिमाग में दृश्य को जीवित बनाने की क्षमता होनी चाहिए। उस चूहे को मैं बिना हाथों के मारूंगा। उसने वार किया जैसे कोई सांप करता है। इसे काट दिया उसने। प्लीज जल्दी से सीरम लेकर यहाँ। एक झटका देकर आगे धकेला जो शरीर की निचली मांसपेशियों से शुरू हुआ था। हवा को चीरते हुए ट्रेन किसी धमाके की तरह। आप एक पूर्णतावादी होने चाहिए। जब उसकी लाश को काट कर देखा तब उसका खून काला था, डामर की तरह। शीशे तो बच्चों की टॉफियां बनती हैं। उससे ज्यादा देखने की मेरी इच्छा नहीं थी। यानी आपने जो लिखा है उससे आपको कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए जब तक कि आप बेहतर को बेहतरीन न बना लें।